दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एटीएम उखाड़ने में माहिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी दिल्ली और हरियाणा में करीब 20 एटीएम मशीनों से 2 करोड़ से ज्यादा की रकम उड़ा चुका था। बदमाश गैस कटर से कैश बॉक्स को काटने के साथ रस्सियों की मदद से एटीएम काटने और उखाड़ने दोनों काम में माहिर है। कोर्ट से उसे भगोड़ा घोषित कराने की कार्रवाई जारी थी, लेकिन इसी बीच उसे पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी बदमाश वारदात अंजाम देने से सीसीटीवी कैमरों पर काले रंग के पेंट स्प्रे कर देता था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरियाणा निवासी शौराब उर्फ सब्बा उम्र लगभग 24 साल के तौर पर हुई है। ये वही शौराब है जो कुछ साल पहले एक साथ 2 गैंग के लिए एटीएम लूटने का काम करता था। हालांकि तब पूरा गैंग लग्जरी गाड़ियों से वारदात को अंजाम देने आता था। बताते चले कि पुलिस के हत्थे चढ़े शौराब पर दिल्ली पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा के मुताबिक उनकी टीम कई दिनों से शौराब की पड़ताल में लगी थी। इसी दौरान इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह को इनपुट मिला कि आरोपी राजस्थान में छिपा हुआ है, जो जल्द ही मेवात जाएगा। इसके बाद शुक्रवार देर रात लाजा के पास ट्रैप लगाकर आरोपी को पकड़ने की तैयारी की गई। हालांकि शौराब को भनक लगी तो वो पुलिस को देख टैक्सी से निकलकर भागने लगा। टीम ने उसका पीछा किया और आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। शाहिद गैंग के साथ मिलकर शौराब ने साल 2019 में दिल्ली और हरियाणा की 8 एटीएम मशीनों को काटकर कैश निकाला था। कोर्ट से उसको भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई जारी थी। इसके अलावा वो लियाकत जावेद गैंग के साथ भी काम कर रहा था, जबकि लियाकत इसका सगा भाई है। लियाकत वाले गैंग के साथ मिलकर शौराब ने दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच 12 एटीएम से कैश निकाला। ये लोग सुनसान जगह वाले एटीएम को रेकी कर निशाना बनाते थे। अगर किसी वजह से एटीएम नहीं काट नहीं पाते थे तो फिर उसे उठाकर ले जाते थे। पुलिस लियाकत गैंग के लियाकत शमशाद वकील राहुल उर्फ विपिन और शकील उर्फ मिस्त्री को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।